कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी। महंगाई भत्ते में हो सकती है 4% की बढ़ोतरी, 1 मार्च से हो सकता है ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते में जल्दी बढ़ोतरी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 मार्च में होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार डीए में बढ़ोतरी का फैसला कर सकती है। सरकार 4% डीए बढ़ा सकती है, और ऐसा होता है तो उसकी महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो जाएगा। इसका फायदा करीब 52 लाख कर्मचारियों और 7 लाख पेंशनर्स को होगा। क्या होता है महंगाई भत्ता? महंगाई भत्ता ऐसा होता है कि महंगाई बढ़ाने के बावजूद सरकार कर्मचारियों को जीवन स्तर पर बनाए रखने के लिए दिया जाता है। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर और कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन देश की महंगाई, मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। इसमें गणना सर्वेमान के आधार पर कर्मचारियों को मूल वेतन के अनुसार की जाती है। महंगाई भत्ता शहरी, अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में कर्मचारियों को अलग अलग होती है। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन कैसे होता है? महंगाई निर्धारण का फॉर्मूला दिया जाता है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए फैसला किया है। पिछले 12 महीने ऑल इंडिया के बावजूद प्राइस इंडेक्स और औसत, अब अगर पीएसयू में काम करने वाले लोगों में महंगाई भत्ते की बात की जाए तो इसका वैल्यूएशन का तरीका है महंगाई भत्ते प्रतिशत बाद 3 महीने में उपभोग मूल्य संचयों का औसत। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? भारत में 2 तरह की महंगाई होती है, रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई। रिटेल महंगाई आम ग्राहकों की तरफ दी होती है, इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। तो यह इंटरेस्टिंग है, डीए के बाद कितना फायदा हुआ इसके लिए। सैलरी बेसिक पे प्लस ग्रेड पे इंटू डीए परसेंट डीए अमाउंट। आसान भाषा में समझाया तो बेसिक सैलरी से ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसकी महंगाई भत्ते को दूर करने का गुना किया जाता है, जो नतीजा उसी की महंगाई भत्ते यानी इन डियरनेस अलाउंस कहा जाता है। अब इसे उदाहरण के समझ लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये, ग्रेड पे 1,000 रुपये, दोनों को जोड़ने के बाद रिटेल 11,000 रुपये हुआ। आप बढ़े हुए 42% महंगाई भत्ते के लिहाज से ये 4,620 रुपये हुआ। तो सबको जोड़कर आपको टोटल सैलरी 15,620 हो गई, यानी 38% डीए के लिहाज से आपको 15,180 रुपये की सैलरी मिली, यानी 4% डीए बढ़ने के बाद ये महीना 440 रुपये का फायदा होगा। तो इंटरेस्टिंग है, डीए का फायदा होगा यानी ये केंद्रीय कर्मचारियों को ही होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, कई लोगों से है, मेरा भी दोस्त सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है, तो 4% बढ़ रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग है। चलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।